नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पर भी आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दीपचंदी ताल के बारे में। मैंने दीपचंदी ताल के बारे में कई सारे लेसन पहले भी अपलोड किए हैं, जिसमें कि मैंने आपको लगियाँ बताई है और उसके प्रकार बताए हैं कई सारे, जो कि ज़्यादा प्रचलित हैं और ज़्यादातर आपको गानों में या भजनों में सुनने के लिए मिलते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि YouTube पे मेरी अलग प्लेलिस्ट डाली हुई है, वहाँ पर Facebook की ऑडियंस बहुत ज़्यादा कम जाती है, तो मैं ये Facebook के लिए और YouTube के लिए दोनों के लिए अपलोड कर रहा हूँ कि जब आप कहीं पर प्ले करते हैं भजनों के साथ या गानों के साथ, तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको अगर दीपचंदी के अंदर लगियाँ बजानी आ रही है या बहुत ज़्यादा आप क्रिकेट वगैरह लगा रहे हैं तभी आप दीपचंदी बजा सकते हैं। नहीं, आप सिंपल ठेके और उसके कुछ प्रकार बजा सकते हैं, और तिहाइयाँ भी बहुत कम लोग बजाते हैं, नहीं तो नॉर्मल दीपचंदी ताल, क्योंकि एक गंभीर प्रकृति का ताल है। दीपचंदी चंचल नहीं है कि उसमें आप ज़्यादा बहुत कुछ कर सकें। जिनकी तैयारी है, जो थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, वो लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल दीपचंदी ताल बजा के उसको फिनिश कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक दो ठेके बताने वाला हूँ जो कि ज़्यादातर बजाए जाते हैं, थोड़ा उनके प्रकार जितने भी इस वीडियो में मतलब पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है और उसी टाइप से उसको फॉलो करना है। मैं बोल बिल्कुल स्लो में बताऊंगा, उसके बाद आप उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर दिया गया साइड में, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के जवाब आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप फेसबुक पर फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं। देखिए, जब भी हम दीपचंदी ताल की बात करते हैं तो 14 मात्रा का ताल है और 7 मात्रा का रूपक ताल है, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। तो दीपचंदी ताल थोड़ा अपना अलग लेवल रखता है, बहुत सारे गानों में बजा हुआ है, बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं या भजन वगैरह है या फोक में, जैसे कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है दीपचंदी ताल। तो मैं थोड़ा सा आपको एक दो ठेके सुनाता हूँ, फिर उन्हीं को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये, अगर आप इतना भी अगर बजा पा रहे हैं तो आप अच्छे से दीपचंदी की संगत कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो हमारा ठेका है उसके बोल देखते हैं। धा धेन धा धा धेन धा तेन ता तेट, पहले इसके बोल देखते हैं। तो धा धी ना जो है यहाँ से बजा, धा को स्लिप किया, फिर धी यहाँ से इंडेक्स फिंगर, फिर ना यहाँ से धा धेन धा धा। ये जो दोनों धा आएंगे थोड़ा जंप करके आएंगे, धा धा धी न, फिर धा ती न ता तेट ता तेट ता तेट। देखो कैसे आया है, ता पहले ता के साथ का लगा है, ता ता ती त, फिर दोबारा से यही बोल ता ता ती त, दोबारा से धा धी न धा, ठीक है। देखो धा हमने कहाँ पर बेस स्लिप हो रहा है, कहाँ पर नॉर्मल बेस लग रहा है, कहाँ पर जंप हो रहा है, इसका ध्यान रखेंगे तो आप वैसे ही बजा पाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। धा धी न धा धा, ये दोनों देखो, धा शुरू वाला स्लिप, फिर धी न, ना जो है यहाँ से बजाया हमने, ठीक है। धा धी न, फिर धा, दोनों धा जंप है, धा धा धी न, उसके बाद धा ती न ता ता ती त ता ती त, समझिए ठेके को किस तरीके से बजाया जा रहा है। धा धी न धा धा धी न धा ती न ता ता ते त ता ता ते त, पहले नंबर का ठेका। दूसरे वाला बोल आपको साइड में मिल जाएंगे, आराम से आप देख सकते हैं। दूसरा वाला थोड़ा इसी टाइप का है और काफ़ी चलता है वो भी, वो ठेका भी, ठीक है। धी ना, सिंपल धी, धी ना ना धी ना धिन धिन धा तेट ता ता, धी ना ना धी ना धिन धिन धा तेट ता, ये ठेका है। कैसे बजेगा, धी सिंपल, धी ना ना धी ना धिन धिन, सारा काम
इंडेक्स फिंगर से हो रहा है, ठीक है, यहाँ से बाएं से बहुत ज़्यादा कुछ काम हो नहीं रहा है, ये थोड़ा कुछ से आसान वाला है, जो पहले मैंने बताया उससे थोड़ा इजी है। धी ना ना धी ना, अब देखो धिन यहाँ पर स्लिप किया, धिन दूसरा दिन, धिन दूसरा दिन जंप हुआ, धिन धिन, फिर धा ती त ता एस ता एस, ता के बाद थोड़ा सा रुकना है, फिर ता, फिर थोड़ा सा रुकना है, इस टाइप से चलता है, ठीक है। धी ना ना धी ना धिन धिन धा ती त ता एस ता एस, धी ना ना धी ना धिन धिन धी धिन धा ती त ता एस ता एस, ता के साथ का लगा सकते हैं, ता एस ता एस, दोबारा देखेंगे। धी ना ना धी ना धीन धिन धा ती त ता एस ता एस, ये ठीक है। काउंट में कैसे आएगा, धी ना ना धी ना धिन धिन धा ती ट ता एस धा, 14 मात्रा का ताल है। एक लास्ट में थर्ड वाला पैटर्न थोड़ा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में थोड़ा कंप्लीट प्रोसेस मिले कि आप ठेका अच्छे से बजाना सीख जाएं दीपचंदी का, ठीक है। अब धत धाती ताती धाती धत धाती ताती धाती धा धाती ताती धाती धा धाती, ठीक है, धा 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 धाती ताती धा धा तिन ता तिन धा तिन धा धा तिन ता तिन धा, ये थोड़ा हल्का सा बीच में बजाया जा सकता है, 7-7 मात्रा का काउंट होता है, तो धा धा तिन ता तिन धा तिन, ठीक है, धा धा तिन ता तिन धा तिन, एक एक बोल ध्यान से देखेंगे, धा धा, पहले वाला धा स्लिप हुआ, धा फिर धा तिन, तिन के साथ का लगा, फिर ता तिन के साथ, दूसरे वाले तिन के साथ गा लगा तिन, फिर धा लास्ट में उसे तिन, ठीक है, इतना ही रिपीट होगा बार बार, धा धा तिन ता तिन, ठीक है, धा धा तिन, फिर ता तिन, इसी तिन के साथ तिन धा और फिर तिन, ध्यान से देखेंगे, धा धा तिन ता तिन धा तिन धा धा तिन ता तिन धा तिन, ये कंटिन्यू चलता है, जैसे कि मैं थोड़ा बजा के दिखाता हूँ, धा धा तिन ता तिन धा तिन धा तिन ता तिन। अब अगर आपको आपने कहरवा वगैरह के वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर मैं तिन के साथ अक्सर बताता हूँ कि गा टच हो रहा है, ये कंपलसरी नहीं है कि लगाना है, लेकिन लगाया जाता है खूबसूरती के लिए, जैसे कि हारमोनियम हम बजाते हैं उसके साथ कुछ टचिंग नोट लगते हैं, जो केवल टच किए जाते हैं वो प्रॉपर नहीं लगते हैं, वैसे तबले में भी कुछ ऐसे बोल होते हैं कि जो केवल टच किए जाते हैं लगते नहीं है, आप उसको मिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही धा धा, ठीक है, एक धा आगे स्लिप किया, दूसरा धा पीछे, धा धा, फिर तिन के साथ का लगा तिन, धा धा तिन, फिर ता फिर तिन, अब देखो तिन के साथ गा लगा, ये बोल तिन ही बोल रहा हूँ मैं, धिन नहीं बोल रहा हूँ, तिन हल्का सा नोट लगाना है, तिन लास्ट में धा तिन धा धा तिन ता तिन धा तिन धा धा तिन ता तिन धा तिन, पूरा मिलके कैसे बजेगा, धा धा तिन ता तिन धा तिन धा धा तिन ता तिन धा धा तिन ता तिन धा तिन ता ते ते ता, फिर देखा तरीके से आप ये पूरा ताल बजा सकते हैं, ये ठेके है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी तरीके से आप फॉलो कीजिए और इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इनको दोबारा से भी अपलोड कर सकता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो, और अगर आप अच्छे से समझ गए हैं
तो इनको पहले शुरू में प्रैक्टिस कीजिए, एक एक बोलों को पहले काउंट कीजिए, काउंटिंग के साथ साथ फिर उनको पहले याद कीजिए, फिर बजाने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर आएंगे आप किसी भी दीपचंद के गाने के साथ फिर इनको बजा सकते हैं। बहुत सारे गानों में ये बजे हुए हैं गाने, अक्सर आप दीपचंद के गाने अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। तो पहले ठेका सीख लीजिए, ठेका बजाना आपको आ गया प्रॉपर तो आपको धीरे धीरे फिर संगत करने का मतलब अपने आप तरीका पता लग जाएगा कि किस तरीके से की जा रही है संगत। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आगे और कैसे वीडियोज़ देखने हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर नंबर साइड में दिया गया है। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।